वेलकम टू दिस चैनल्स। निमी मॉक टेस्ट पार्ट टू में आपका स्वागत है। निमी मॉक टेस्ट वन में 1 से 30 तक क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिया गया है। अब आपको 31 से क्वेश्चन आगे कराया जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़े एवं कॉपी में इसको नोट करें। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भिन्न भिन्न एग्जामों में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और जिन लोगों को ITI का इस साल एग्जाम है उनमें निमी मॉक टेस्ट में इस तरह का ही क्वेश्चन आते हैं। इनको आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, नोट कर लेंगे, तो इनमें से आपको कुछ क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन है कि धातु की उस गुण का नाम बताइए जिसमें वह बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है। धातु की उस गुण का नाम बताइए जिसमें वह बिना टूटे तार में खींचा जा सकते, यानी कि धातु का वह गुण बताइए जो बिना टूटे ही क्या होता है कि तारों के रूप में खींचा जा सकते, जैसे तार जो होता है ना उस तरह से खींचा जा सके। तो इसका ऑप्शन है डक्टिलिटी, टेंसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, मोलिएबिलिटी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ध्यानपूर्वक पढ़ें क्या होगा इसका ऑप्शंस। तो इसका राइट आंसर होगा डक्टिलिटी, यानी धातु को उस गुण का जो नाम होता है जो बिना टूटे तारों में खींचा जा सकता है उसका मेन रीजन क्या है, डक्टिलिटी। निमी का जो भी हिंदी होता है पैटर्न होता है वह टेढ़ा मेढ़ा होता है, इसलिए हिंदी में कुछ टूट फूट रहता ही है। तो इनको ध्यान से पढ़े और ये समझ में आएगा, कोई भारी नहीं होता है निमी। ऐसे ही बहुत सारे लोग निमी को हैवी बना के रखे हुए हैं, ये कोई भारी होता है नहीं, इजी है। इसको जितना बार पढ़िएगा ये इजी होता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन, थिम्बल के एक डिवीजन की स्पिंडल मोमेंट क्या होगी जो स्पिंडल थ्रेड 0.5 mm पिच का है। थिम्बल के एक डिवीजन की स्पिंडल मोमेंट क्या होगी जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 mm पिच, यानी 0.5 mm पिच का हो, तो 0.01 mm होगा या 0.10 mm होगा या 1.00 mm होगा या 10.0 mm होगा। तो क्वेश्चन को पढ़े, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ए 0.01 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन, इसको पढ़ें। इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है, इस वर्नियर कैलिपर की जो रीडिंग है वह है क्या। तो यह जो इसका ये इस तरह का वर्नियर कैलिपर का रीडिंग है आप ध्यानपूर्वक देखें तो इसका रीडिंग क्या हो सकता है। आपको वर्नियर कैलिपर आप चलाए हैं तो आपको मालूम होगा कि वर्नियर कैलिपर को उसका जो रीडिंग होता है कैसे चेक किया जाता है, कैसे देखा जाता है। तो ऑप्शन ए 35.1 mm, 35.2 mm, 35.3 mm, 35.4 mm। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, डी यानी 35.4 mm। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, 35.5 mm। यहाँ पे देखिए ये 35.5 mm, यहाँ पे हो जाएगा आपको 35.5। ये जो है ना सात का साइड ये बहुत डीप आ जाता है, ये यही होता है 35.4 mm। तो इसीलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी 35.4 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है
वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर को आप यूज किए हैं तो इसको आसानी से क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन ए 18 डिग्री, 50 इंच, 41, 50 इंच, 50 डिग्री, 50 इंच, 58 डिग्री, 50 इंच। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 41.50 इंच। अब देखिए इसमें कहाँ पे है, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 41 डिग्री 50 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन, फिलर गेज का उपयोग क्या है। फिलर गेज का उपयोग क्या है, तो चौड़ाई की जांच करना, ऊंचाई की जांच करना, लंबाई की जांच करना, मिलने वाले भागों के बीच की गैप की जांच करना। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मिलने वाले भागों के बीच की गैप की जांच करने के लिए फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। फिलर गेज का कहाँ प्रयोग करते हैं, तो फिलर गेज का प्रयोग मिलने वाले भागों के बीच की गैप की जांच करना फिलर गेज का उपयोग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस है 36 नंबर क्वेश्चंस, ये आपका देखिए मेजरमेंट ऑफ डायल क्रीपर। डायल क्रीपर आप लोग यूज किए हैं तो इसके बारे में आप देखें, इसका आंसर बताएं। ये है आपका डायल कैलिपर, बताइए ये डायल कैलिपर जो है कितना एमएम मेजरमेंट कर रहा है। देखिए 24.2 एमएम, 24.8 एमएम, 25.2 एमएम, 26.2 एमएम, बताइए। इसका जो ये मेजरमेंट करता है ऑप्शन नंबर डी 26.2 एमएम। यहाँ पे देखिएगा तो आपको 26.2 एमएम आपको मेजरमेंट का पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है। एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है बताइए, निष्क्रिय संचालन, ड्रिलिंग का बार बार संचालन, निरंतर मिलिंग ऑपरेशन, या ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन। ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन। क्या हो जाएगा, ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन यानी सक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग। एक गैंग ड्रिल मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है, तो ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बताइए वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा होगा। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है डिस्क, सेकेंड ऑप्शन है डायल, और थर्ड ऑप्शन है आपका ब्लेड, और फोर्थ ऑप्शन है मेन स्केल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डायल। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का अभिन्न हिस्सा डायल होता है। अब 39 नंबर है, बताइए इस पिक्चर्स का एक्स भाग क्या डिनोट्स करता है। फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग की नाम बताइए, एंड नेम द पार्ट मार्क एज एक्स ऑफ द फाइल। क्या है, हील है, एज है, फेरल है या शोल्डर है। इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा।
इस एक्स का भाग का नाम बताना है। तो इसका नाम है फेरुले, फेरुले है इंग्लिश में लिखा हुआ या हिंदी फेरुले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी, फेरुले। नेक्स्ट क्वेश्चंस है क्वेश्चंस नंबर 40। बताइए जॉब को फिनिश्ड साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? यानी जॉब को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? सिंगल कट फाइल, कर्वेट कट फाइल, सेकंड कट फाइल या डबल कट फाइल? तो बताइए सिंगल कट फाइल होगा, या कर्व कट फाइल होगा, या सेकंड कट फाइल होगा, या डबल कट फाइल होगा? तो राइट आंसर क्या होगा इसका बताइए? इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड कट फाइल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। जॉब को फिनिश्ड साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? तो सेकंड कट फाइल का प्रयोग किया जाता है। जॉब को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए सेकंड कट फाइल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस फाइल में समानांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं? किस फाइल में पैरेलल किनारे यानी पैरेलल एज पूरे लंबाई में होते हैं? तो बताइए हैंड लाइफ, बास्टर्ड लाइफ, रास कट फाइल या सिंगल कट फाइल? हैंड लाइफ, बास्टर्ड फाइल या रास कट फाइल या सिंगल कट फाइल, बताइए क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हैंड फाइल। किस फाइल में समानांतर यानी पैरेलल एज होते हैं जो पूरे लंबाई में होते हैं? जो पूरे लंबाई में होते हैं तो वह कौन सा होता है बताइए? हैंड लाइफ। क्या होता है? हैंड लाइफ, याद रखिएगा। समांतर पैरेलल एज किनारे पूरे लंबाई में हैंड लाइफ में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंच वाइस को बनाने की सामग्री मटेरियल क्या है? बेंच वाइस को बनाने की सामग्री मटेरियल क्या है? फर्स्ट ऑप्शन टूल स्टील, उच्च कार्बन इस्पात, मध्यम कार्बन स्टील, कास्ट आयरन। तो राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कास्ट आयरन। क्या हो जाएगा? कास्ट आयरन। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। बेंच वाइस को बनाने के लिए जो मटेरियल लगता है कास्ट आयरन का लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है? यानी कि कौन सी जो मार्किंग मीडिया है मशीन से तैयार यानी सरफेस पर स्पष्ट रेखा प्रदान करती है, यानी कि क्लीन लाइन, मशीन फिनिश्ड सरफेस, एकदम क्लीन लाइन होगा, साफ सुथरा लाइन जो स्पष्ट रेखा प्रदान करती है, उस मार्किंग मीडिया का नाम बताइए जो मशीन के थ्रू किया जाता है, जो मशीन से तैयार किया जाता है और सतहों पर स्पष्ट रेखा प्रदान करती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए? वाइट वास, प्रशियन ब्लू, कॉपर सल्फेट, सेल्युलेज लैकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, फ्रिशियन ब्लू। क्या हो जाएगा? फ्रिशियन ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लॉटेड एंगल फ्लैट में, स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या है? स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या है बताइए? व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्लॉट प्रोवाइडेड इन द स्लॉटेड एंगल प्लेट? फर्स्ट क्वेश्चन, जॉब को पकड़ने के लिए, आसान से हैंडल, वजन कम करना, बेहतर दिखावट, बताइए। तो इसका होता है जॉब क्लैंपिंग। क्या होता है? जॉब क्लैंपिंग। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा जॉब क्लैंपिंग, जॉब को पकड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है? राउंड बार के केंद्रों को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का प्रयोग किया जाता है
विच कैलिपर इज यूज टू मार्क द सेंटर ऑफ राउंड बार. फर्स्ट ऑप्शन जेनी कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, फर्म जॉइंट कैलिपर. तो इसका राइट आंसर जो होगा जेनी कैलिपर. जेनी कैलिपर के द्वारा क्या किया जाता है, जेनी कैलिपर के द्वारा राउंड बार के केंद्र को क्या किया जाता है, चिन्हित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि यूज टू मार्क द सेंटर ऑफ राउंड बार. सेंटर राउंड बार को चिन्हित करने के लिए जेनी कैलिपर का प्रयोग किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46. बताइए इस क्वेश्चन का है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए, यानी कि ये जो एक्स के रूप में है ना ये वाला, इस भाग का नाम बताइए. तो इस भाग का नाम है क्या, लेग है, पैंग है, या वासर है, या फुलक्रम है. तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा इस भाग का नाम क्या हो जाएगा, तो इस भाग का जो नाम होगा आपका, इस भाग का जो नाम होता है क्या होता है, फलक्रम होता है. क्या होता है, फलक्रम. नेक्स्ट क्वेश्चन है इस कोणीय मापक यंत्र का नाम बताइए, इस कोणीय मापक यंत्र का नाम बताइए, नेम द एंगल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट. तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बेवल गेज, बेवल प्रोटेक्टर, इन्वर्सल बेबल गेज, या इन्वर्सल सरफेस. बताइए बेबल गेज है, या बेबल प्रोटेक्टर है, या इन्वर्सल बेबल गेज है, या इन्वर्सल सरफेस गेज है. बताइए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, यह इन्वर्सल बेबल गेज है. क्या है, यह इन्वर्सल बेबल गेज है. नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है. टेन डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, स्क्वायर फाइल, आधी गोल फाइल, हाफ राउंड फाइल, या त्रिकोणीय फाइल, नाइफ एज फाइल. बताइए क्या हो जाएगा. तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, नाइफ एज फाइल. 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए हम नाइफ एज फाइल का प्रयोग करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49. उस दोष का नाम बताइए जब धातु के चिप्स फाइलों के दांतों के बीच घुस जाते हैं, यानी उस दोष का नाम बताइए जब धातु के जो चिप्स होते हैं, चिप्स का मतलब छोटा छोटा सा जो टुकड़ा होता है, वह फाइल के दांतों के बीच फंस जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, फाइल बाइट, फाइल फिनिंग, फाइल वाइपिंग, या फाइल ग्लेजिंग. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइल की पिनिंग. तो उस दोष का क्या नाम होगा बताइए, जो धातु के चिप्स फाइल के दांतों के बीच में घुस जाता है उसको बोलते हैं फाइल की पिनिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50 नंबर्स क्वेश्चन, कहता है आयल ग्रूवेज को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग करते हैं. दो ऑयल ग्रुप्स जो होता है उसको काटने के लिए किस छेनी का प्रयोग करते हैं, बताइए फ्लैट छेनी का करते हैं, या नेक्स्ट ऑप्शन, या वेब छेनी का करते हैं, या हाफ राउंड छेनी का करते हैं, या डायमंड पॉइंट छेनी का करते हैं, बताइए. तो इसका जो हम प्रयोग करते हैं सी, क्या करते हैं, हाफ राउंड नोज चीजल, सॉरी हाफ राउंड नोज चीजल का प्रयोग करते हैं. कहाँ पे करते हैं हाफ राउंड नोज चीजल का प्रयोग हम लोग, कहाँ करते हैं, तो करते हैं ऑयल ग्रुप्स को काटने के लिए किस छेनी का प्रयोग करते हैं, हाफ राउंड नोज चीजल का प्रयोग. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 51 नंबर्स क्वेश्चन, कहता है इस फाइल का नाम बताइए,
जो फाइल है, इस फाइल का क्या नाम है? बोरेट फाइल, रिफ्लेयर फाइल, या क्रॉसिंग फाइल, या मिल्सो फाइल? बताइए, बोरेट फाइल, रिफ्लेयर फाइल, या क्रॉसिंग फाइल, या मिल्सो फाइल? बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर राइट हो जाएगा रिफ्लेयर फाइल। इस फाइल का जो नाम है, इस फाइल का क्या नाम है? रिफ्लेयर फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वाइस का नाम क्या है? तो इस वाइस का क्या नाम है? पिन वाइस है, पाइप वाइस है, हैंड वाइस है, या मशीन वाइस है? तो इस वाइस का क्या नाम है? तो इस वाइस का नाम बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा पिन वाइस। इस वाइस का क्या नाम है? पिन वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडिंग, हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है? हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है? बेंच ग्राइंडर, या पोर्टेबल ग्राइंडर, या पेडेस्ट्रल ग्राइंडर, या सरफेस ग्राइंडर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पेडेस्ट्रियल ग्राइंडर। हैवी ड्यूटी वर्क के लिए हम लोग पेडेस्ट्रियल ग्राइंडिंग का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? पेडेस्ट्रियल ग्राइंडिंग का। इसका नाम क्या है? पेडेस्ट्रियल ग्राइंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 54 नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है? चैन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? क्या कहता है? चैन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? बेब चीजल, फ्लैट चीजल, या हमारा आगे, या क्रॉस कट चीजल, या डायमंड पॉइंट चीजल? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बेब चीजल, यानी चैन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए छेनी का उपयोग किया जाता है, बेब चीजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी का काम करने वाले आरी के दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? लकड़ी का काम करने वाले आरी के दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? बोरेट फाइल, टिंकर फाइल, मिल्सो फाइल, या रिफ्लेयर फाइल? बताइए, इसका राइट आंसर जो होगा मिल्सो फाइल, यानी लकड़ी के कामों करने वाले आरी के दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का उपयोग करेंगे? तो मिल्सो फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर, हथौड़े का वजन को कहाँ दर्शाया जाता है? हथौड़े का वजन को कहाँ दर्शाया जाता है? वेयर बी द वेट ऑफ हैमर स्टैम्प्ड, फेस, पिन, चीक, ऑयल होल? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा चीक। हथौड़े का वजन को दर्शाया जाता है, वेयर विल बी द वेट ऑफ हैमर स्टैम्प्ड, तो इसका राइट आंसर होगा चीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण अनुशंसित कोण से कम है तो क्या प्रभाव होगा? अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण अनुशंसित कोण को से कम है, अनुशंसित कोण से कम है तो क्या प्रभाव होगा? What will be the effect if the clearance angle of chisel is less than recommended angle while chipping? Right answer क्या होगा? Cutting edge cannot penetrate chisel will slip। इसका हिंदी होगा cutting edge घुस नहीं सकती, छेनी फिसल जाएगी। Cutting edge अंदर घुस जाएगा, cut और गहरा हो जाएगा। Cutting edge टूट जाएगी,
या छेनी की कटिंग एज सीधी रेखा पर स्वतंत्र रूप से चलता है। इसको पढ़िए, जब तक नहीं पढ़िएगा आपको मिसिंग होगा। राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, कटिंग एज घुस नहीं सकती, छेनी फिसल जाएगा। यानी कटिंग एज जो होगा उसमें जाएगा नहीं, उसमें जब भी सेट करेंगे तो वो क्या होगा, फिसल जाएगा। कौन फिसल जाएगा? छेनी फिसल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टूटे बिना तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करने वाली धातु को धातु की प्रॉपर्टी का नाम बताएं। टूटे बिना तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करने वाली धातु प्रॉपर्टी का नाम बताइए, क्या होगा? डक्टिलिटी, टेंसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, मोलिएबिलिटी। टूटे बिना मतलब ऐसा धातु जो क्या होगा कि बिना टूटे ही तन्यता बल के प्रभाव का विरोध, तन्यता को क्या करेगा, बल के प्रभाव को विरोध करने वाले धातु की प्रॉपर्टी का नाम बताइए, क्या नाम होगा? बी, टेंसिटी। क्या होगा इसका राइट आंसर? टेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स के रूप में चिन्हित भागों का नाम बताइए। या एक्स के रूप में चिन्हित भागों का क्या नाम है? एनविल है या थिम्बल है या स्पिंडल है या स्पिंडल लॉक है, बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका राइट आंसर होगा एनविल। ये एक से डिनोट किया है, इसका राइट आंसर क्या है? एनविल। क्या है? एनविल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या है? मेट्रिक्स आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या है, बताइए? 0.01 mm, 0.001 mm, 0.02 mm, 0.002 mm, क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 0.01 mm। मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी कितना होगा? 0.01 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्स के रूप में चिन्हित भागों का क्या नाम है? एक्स के रूप में चिन्हित भागों का क्या नाम है? तो एक्स के रूप में, ये अब सही आ गया, एक्स के रूप में चिन्हित भागों का क्या नाम है? ये एक्स के रूप में चिन्हित है, इस भाग का नाम क्या है? इस भाग का क्या नाम है? लिप है या लेंड है या फ्लैंक है या बिंदु कोण है, बताइए क्या नाम है? इसका राइट आंसर है बिंदु कोण। क्या है? पॉइंट एंगल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पॉइंट एंगल। तो हमारा ये जो है ये क्वेश्चंस, इसका नाम क्या है? इसका नाम है पॉइंट एंगल। एक्स के रूप में चिन्हित भागों का क्या नाम है? पॉइंट एंगल, ये वाला जो दिखाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिल सैंक में किस प्रकार का टेम्पर दिया जाता है? ड्रिल सैंक में किस प्रकार का टेम्पर दिया जाता है? पिन टेम्पर, मीट्रिक टेम्पर या मॉर्स टेम्पर या जर्नो टेम्पर, बताइए। तो इसका राइट आंसर है मॉर्स टेम्पर। ड्रिल सैंक में किस प्रकार का टेम्पर दिया जाता है? तो मॉर्स टेम्पर। क्वेश्चन नंबर है 63, कितना है? 63। इसमें कहता है, मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बताइए? मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ड्रिफ्ट का, स्लिप का, पंच का या हैमर का, क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पंच। यानी कि मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे? पंच का प्रयोग करेंगे। नहीं, सॉरी, मिस्टेक हो गया, इसका प्रयोग करेंगे ड्रिफ्ट का। किसका प्रयोग करेंगे? ड्रिफ्ट का। मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए किसका उपयोग करेंगे? ड्रिफ्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिबंधित स्थान में उपयोग किए जाने वाले टैंप रिंच का नाम बताइए।
प्रतिबंधित स्थान में उपयोग किए जाने वाले टैप रिंच का नाम बताइए। तो टैप रिंच का क्या नाम है? नेम द टैप रिंच यूज टू रिस्ट्रिक्टेड प्लेस। प्रतिबंधित स्थान में उपयोग किए जाने वाले टैप रिंच का नाम बताइए। तो ऑप्शन ए बॉक्स टाइप टैप रिंच, टी हैंडल टैप रिंच, या सॉलिड टाइप टैप रिंच, या डबल एंडेड एडजस्टेबल टैप रिंच, बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा टी हैंडल टैप रिंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 का। ISO मैट्रिक्स थ्रेड में M10x1.5 थ्रेड के लिए ट्रैप ड्रिल आकार की गणना करें, बताइए। ISO मैट्रिक थ्रेड कैलकुलेट द ट्रैप ड्रिल साइज ऑफ M10x1.5 थ्रेड, बताइए वो 8.2 mm, 8.7 mm, 8.75 mm, या 8.65 mm, बताइए राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ए 8.2 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ड्रिलिंग ऑपरेशन में फील्ड की इकाई क्या होगा। 66 नंबर क्वेश्चन है ड्रिलिंग ऑपरेशन में फील्ड की इकाई क्या है, बताइए ड्रिलिंग ऑपरेशन में फील्ड की इकाई क्या है। फीट की इकाई मीटर पर रेवलेशन, या एमएम मिलीमीटर पर रेवलेशन, या मीटर पर मिनट, या एमएम पर मिनट, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका हो जाएगा एमएम पर रेवलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत मस्ट क्वेश्चन है, वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्नियर कैलिपर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। वर्नियर कैलिपर में ये एक्स के द्वारा चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो क्या नाम है, बीम, या फिक्स्ड बार, या थेम्प्ट बार, या थंब लीवर, बताइए क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा डेप्थ बार। इसका नाम क्या है, डेप्थ बार। इसका क्या नाम है, डेप्थ बार, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 68 नंबर। सेजन सेट कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता एक्यूरेसी क्या है, 1 डिग्री, 5 डिग्री, 5 इंच, 5 मिनट, बताइए राइट आंसर क्या होगा। 1 डिग्री राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता एक्यूरेसी क्या होता है। जो ट्राई स्क्वायर होता है, एक ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता क्या होता है, बताइए 0.02 mm प्रति 10 mm लंबाई, या 0.004 mm प्रति 10 mm लंबाई, या 0.002 mm प्रति 10 mm लंबाई, या 0.001 mm प्रति 10 mm लंबाई, क्या होगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा सी 0.002 mm प्रति 10 mm लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन। निशान दिखाने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है। निशान दिखाने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है, बताइए निशान दिखाने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डॉट पंच, पिन पंच, बेल पंच, या सेंटर पंच, ये आपको आता है, बता सकते हैं। डॉट पंच क्या होगा राइट आंसर, ए डॉट पंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है बताइए उस कैलिपर का नाम बताएं जिसकी एक टांग एडजस्टेबल डिवाइड पॉइंट और दूसरा टांग मुड़ा होता है। उस कैलिपर का नाम बताएं जिसकी एक टांग एडजस्टेबल डिवाइड पॉइंट और दूसरा टांग मुड़ा हो।
उसका क्या नाम है, जैनिक कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर, बताइए। इसका राइट आंसर होगा जैनिक कैलिपर। क्या होगा? जैनिक कैलिपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतह गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? ये सतह गेज यानी कि क्या बोलते हैं इसको, सरफेस गेज बोलते हैं। सतह गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? नट, स्नग, स्पिंडल, स्क्राइबर, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका होगा राइट आंसर बी, स्नग। इसको क्या बोलते हैं? स्नग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, संयोजन सेट कॉम्बिनेशन सेट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? संयोजन सेट कॉम्बिनेशन सेट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? ऑप्शन तो नीचे दिया है, ये है हमारा ऑप्शन। उसका ये एक्स के रूप में क्या नाम है इसका, बेवल हेड या सेंटर हेड या स्क्वायर हेड या प्रोटेक्टर हेड, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका हो जाएगा प्रोटेक्टर हेड। एक्स के रूप में इसका जो नाम है, इसका प्रोटेक्टर हेड नाम है। क्या नाम है? प्रोटेक्टर हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के डेक्टम का पालन किया जाता है? किस प्रकार का डेक्टम का पालन किया जाता है? एज डेटम, बिंदु डेटम, केंद्र रेखा डेटम या संदर्भ रेखा डेटम, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका हो जाएगा एज डेटम। इसका क्या नाम है? एज डेटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार के समांतर ब्लॉक, इस प्रकार के समांतर ब्लॉक जैसे कि पैरेलल ब्लॉक का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ पैरेलल ब्लॉक, वही बताइए पैरेलल ब्लॉक का क्या नाम है। ये हमारा पैरेलल ब्लॉक है। क्या है? पैरेलल ब्लॉक। इस ब्लॉक का नाम बताइए, क्या है ब्लॉक का नाम? सिंपल क्वेश्चन है, इस ब्लॉक का क्या नाम है? ठोस समांतर ब्लॉक, सॉलिड पैरेलल ब्लॉक, टेनन समांतर ब्लॉक या इसका कोणीय समांतर ब्लॉक या संयोजन समांतर ब्लॉक, बताइए क्या होगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा समयोज्य समांतर ब्लॉक एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। दोनों एक हिंदी में इसका नाम है, एक इंग्लिश में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका नाम है एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक, ध्यानपूर्वक देखें। नेक्स्ट क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस नंबर 76, क्या है 76, ग्रेड ए भी ब्लॉक के निर्माण के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? क्या है? ग्रेड ए भी ब्लॉक के निर्माण के लिए किस मटेरियल, यानी ग्रेड ए भी ब्लॉक के निर्माण के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? विच मटेरियल इज यूज टू मैन्युफैक्चर्स ग्रेड ए भी ब्लॉक्स, टूल स्टील, कार्बन स्टील, उच्च गुणवत्ता वाला स्टील या बारीक दानेदार वाला कास्ट स्टील, बताइए क्या होगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा सी, हाई क्वालिटी स्टील, उच्च गुणवत्ता वाला स्टील। ग्रेड ए भी ब्लॉक के निर्माण के लिए हम उच्च गुणवत्ता वाला स्टील मटेरियल का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस है, कुंजी मार्ग के कोनों पर पदार्थों को हटाने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है? विच इज यूज फॉर रिमूविंग मटेरियल ऑन द कॉर्नर ऑफ कीवेज, यानी कि कॉर्नर मार्ग के, यानी कुंजी जो होता है ना कीवे के कॉर्नरों को पदार्थ, कॉर्नर में जो सटा होता है पदार्थ को हटाने के लिए किस छेनी का प्रयोग करेंगे? फ्लैट छेनी, डायमंड पॉइंट छेनी या क्रॉस कट छेनी या हाफ राउंड नोज छेनी, बताइए। इसका राइट आंसर होगा डायमंड पॉइंट चिजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस फाइल में एक दिशा में दांतों कटे होते हैं? कौन सा फाइल है
जिसमें एक ही दिशा में दांत कटे होते हैं, एक ही दिशा में दांत कटे होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सिंगल कट फाइल। क्या होगा? सिंगल कट फाइल। क्वेश्चन है, लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन हैंड फाइल, बास्टर्ड फाइल, रास्ट कट फाइल या सिंगल कट फाइल, बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा रास्प कट फाइल। क्या हो जाएगा? रास्प कट फाइल, यानी लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए रास्प कट फाइल का प्रयोग करेंगे।